सब्सक्राइब कीजिए आरजी एडवाइज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने चैनल आर्ट पे क्लिकेबल लिंक्स लगा सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने टेक्निकल गुरुजी का चैनल लिया है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप उनकी, जैसे यहाँ पे फेसबुक का लिंक है, आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप टेक्निकल गुरुजी के फेसबुक पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए ओपन हो रही है, तो देखिए टेक्निकल गुरुजी का ये फेसबुक पेज ओपन हो गया है। वो लिंक टेक्निकल गुरुजी ने फेसबुक पेज का लगाया हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह के लिंक्स अपने चैनल आर्ट पर लगा सकते हैं, और वो भी बड़े इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूं सुखबीर और आप देख रहे हैं आरजी एडवाइस। दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने चैनल पे जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक बार जब आप चैनल आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेंसिल जैसा ऑप्शन नज़र आएगा। आपको इस पेंसिल जैसे ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एडिट लिंक और एडिट चैनल आर्ट। अगर आप एडिट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लिंक लगा सकेंगे। अगर आपने चैनल आर्ट चेंज करनी है तो आप चैनल एडिट चैनल आर्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए एडिट लिंक पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमने लिंक्स लगाने हैं अपने चैनल आर्ट पे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे करके जाएं, उसके बाद यहाँ पे देखिए कस्टम लिंक्स का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के लिंक लगा रखे हैं, जैसे आप मेरी चैनल आर्ट पे देख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड, नीचे आपको ऐड का ऑप्शन नज़र आएगा, ऐड पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जैसे फेसबुक पेज का लिंक देना चाहते हैं तो आप पहले फेसबुक टाइप कर दीजिए लेफ्ट वाले बॉक्स में। चलिए फेसबुक क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ओके कर देना है। उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड बॉक्स आएगा, टाइप यूआरएल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपने फेसबुक पेज का यूआरएल दे देना है। मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे देना है। आपको एक अलग साइट पे अपने फेसबुक पेज खोल रहे हैं, जैसे आप, ताकि आप अपने फेसबुक का यूआरएल दे सकें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने गूगल में जाना है, वहाँ पे फेसबुक टाइप करना है, फेसबुक टाइप करने के बाद दोस्तों लॉगिन टू फेसबुक पे क्लिक करना है। मैंने पहले से लॉगिन कर रखी है, अगर आपने लॉगिन नहीं की तो आप लॉगिन कर लें। देखिए मेरी ये फेसबुक आईडी ओपन हो गई है। उसके बाद आपको अपने पेज में जाना है, थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, फिर आपको अपने पेज पे जाना है। जैसे मैं अपने पेज के चैनल के पेज पे जा रहा हूँ, आरजी एडवाइस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरे चैनल का पेज ओपन हो गया है आरजी एडवाइस। ऊपर देख सकते हैं आप फेसबुक .com लिखा होगा, आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और कॉपी कर देना है। कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है और अपनी यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देना है, उसी तरह से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लगा सकते हैं, जैसे और भी अगर आप ट्विटर का लिंक देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए,
और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं आती हैं।